हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। तो आज के वीडियो में हम ग्रेडी एल्गोरिथम देखेंगे इजिप्शियन फ्रैक्शन फाइंड करने का। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आज की, जैसे कि जो पॉजिटिव फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ यूनिक फ्रैक्शंस के टर्म्स में। अब ये यूनिक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो यूनिक फ्रैक्शंस बेसिकली वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें कि जो न्यूमिनेटर होता है हमारा वो वन होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1/3 है, तो 1/3 हमारा एक यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो 1 है और जो डिनोमिनेटर है एक पॉजिटिव इंटीजर 3 है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम इजिप्शियन फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एशियंट इजिप्शियंस यूज़ करते थे, तो इसलिए इसका नाम ऐसा इजिप्शियन फ्रैक्शन पड़ा है। तो बेसिकली आज हमें क्या करना होगा, आज हमें एक फ्रैक्शन गिवन होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होगा और हमें उसको इजिप्शियन फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। और इजिप्शियन फ्रैक्शन बेसिकली जो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं उनको हम एज अ सम रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ सम ऑफ यूनिट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इजिप्शियन फ्रैक्शन अगर हम निकालें 2/3 का, तो ये 1/2 प्लस 1/6 होगा। तो यहाँ पे 2/3 को हमने एज अ सम ऑफ यूनिट फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो 1/2 हमारा एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/6 हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। तो जो 2/3 का इजिप्शियन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा। वैसे ही 6/14 का ये होगा इजिप्शियन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। 12/13 का ये होगा इजिप्शियन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो आज हमें एक फ्रैक्शन मिलेगा इनपुट से, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलेगा और हमें इजिप्शियन फ्रैक्शन में उसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आज हम ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो जो ग्रीडी एल्गोरिथम होती है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है हमारे पास उसको हम पार्ट्स में सॉल्व करते हैं और हर स्टेप पे हम जो बेस्ट पॉसिबल जो केस होता है या सिचुएशन होती है उसे सेलेक्ट करते हैं, उस चॉइस को लेते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आज हमें एक नंबर गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ NR/DR। NR मतलब न्यूमिनेटर, DR मतलब डिनोमिनेटर, जहाँ पे कि आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर से बड़ा होगा और उसको हमें इजिप्शियन फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या अप्रोच फॉलो करनी होगी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूनिट फ्रैक्शन है उसका वो फाइंड करना होगा। उसके बाद जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट होगा उसके लिए हम दोबारा से रिकर करेंगे, यानी रिकर्शन का यूज़ करेंगे आज हम यहाँ पे। तो बेसिकली हम जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा उसमें जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूनिट फ्रैक्शन होगा उसे फाइंड करेंगे, फिर जो हमें फ्रैक्शन गिवन था उसमें सबट्रैक्ट करेंगे और जो नया फ्रैक्शन आएगा सबट्रैक्ट करने के बाद उसके लिए सेम यही काम करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम रिकर्शन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 6/14 को आपको इस अप्रोच से सॉल्व निकालना है रिपीटेशन फ्रैक्शन 6/14 का, उसके लिए सबसे पहले आप जो लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूनिट फ्रैक्शन है उसे पहले निकालेंगे। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूनिट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपको नंबर गिवन है, जो फ्रैक्शन गिवन है आपको, उसको आप रिवर्स कर दीजिए और उसका सील ले लीजिए। तो यहाँ पे 6/14 का जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूनिट फ्रैक्शन होगा वो 14/6 का सील होगा। तो यहाँ पे 14/6 का सील जो कि 3 आया है, तो ये 1/3 जो होगा हमारा वो पहला यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी का पार्ट होगा, यानी 6/14 - 1/3 जो कि 4/42 आएगा, उसके लिए सिमिलर यही अप्रोच फॉलो करेंगे, 42/4 करेंगे, उसका सील लेंगे, तो हमारे पास सेकेंड अपना जो यूनिट फ्रैक्शन है वो आ जाएगा। इसी तरह हम इस अप्रोच को फॉलो करते जाएंगे जब तक कि कोई हमारा एक बेस केस हिट नहीं हो जाता। बेस केस हमारे क्या होंगे, एक तो जब ये डिफरेंस है इनका वो ज़ीरो हो जाए, या फिर जो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो उनमें से कोई एक दूसरे को डिवाइड कर दे, तो ये कुछ बेस केसेस होंगे। जब तक वो हिट नहीं हो जाते तब तक हम रिकर करते रहेंगे। तो ये अप्रोच है, इसे हम आज फॉलो करेंगे इजिप्शियन फ्रैक्शन निकालने के लिए। चलिए अब से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चाहिए होंगे वो डिक्लेयर कर लेता हूँ, NR और DR। और यहाँ पे सपोज मैं न्यूमिनेटर ले लेता हूँ 2 और डिनोमिनेटर ले लेता हूँ, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था 6/14 का हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 6/14 ही लेते हैं ताकि हम रिजल्ट मैच कर पाएँ। तो 6/14 मैं यहाँ ले लेता हूँ और इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊँगा प्रिंट इजिप्शियन और इसके अंदर जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर उसे पास कर देता हूँ। तो इस फंक्शन को भी हम डिफाइन करेंगे जो कि हमारा इजिप्शियन फ्रैक्शन प्रिंट करेगा।
चलिए इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इसका रिटर्न टाइप वॉइड रख देता हूँ। इसी फंक्शन के अंदर हम प्रिंट कर देंगे इजिप्शियन फ्रैक्शन को, प्रिंट इजिप्शियन फ्रैक्शन हमारे फंक्शन का नाम है। और यहाँ पे दो वैल्यूज पास किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूनिट फ्रैक्शन है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूनिट फ्रैक्शन है, जीपीयू सपोज नाम दे देता हूँ इसका। और ये होगा हमारा डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर, यानी जो हमें फ्रैक्शन मिला है वो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है, उसका उल्टा कर देंगे और उसका सी ले लेंगे। तो सी लेने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर कर दिया। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं वो होगी, उसके बाद में प्लस वन कर देंगे तो हमारे पास इसका जो सील है वो आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए रिकर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस जो ये डिनोमिनेटर बाय यहाँ जी पी यू आया है, तो यह हमारा बेसिकली जो पहला टर्म होगा वो होगा, तो वो होगा वन बाय जी पी यू ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूनिट फ्रैक्शन। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा वो एन आर बाई डी आर माइनस वन बाय जी पी यू होगा। तो अब इसको हम जो दोबारा से जो नया फ्रैक्शन देना है हमें उसको हम सिंपली कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट इजिप्शियन फंक्शन के अंदर दोबारा से मैं कॉल करूँगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो नया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो पास करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल जैसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वो करेंगे। तो जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले जो दोनों टर्म जो डिनोमिनेटर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो जो हमारा नया डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर इंटू जी पी होगा, और जो न्यूमिनेटर होता है वो बेसिकली जो इस वाले फ्रैक्शन का पार्ट है वो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और जो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो सेकंड वाले फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर इंटू जी पी यू माइनस डी आर इंटू वन, तो सिंपली डी आर लिख देता हूँ। तो ये हमारा नया फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन है वो बन गया है, और इस फंक्शन को कॉल करने से पहले जो हमें पहला फ्रैक्शन मिल गया यूनिट फ्रैक्शन उसे हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे सी आउट वन बाय डी आर बाय एन आर आएगा हमारा वन बाय जी पी यू, सॉरी यहाँ पे वन बाय जी पी आएगा क्योंकि हमारा जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन है वो वन बाय जी पी होगा, ये हमने यहाँ पे जी पी यू कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा पहला फ्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली हम इसके बाद जो आगे के यूनिट फ्रैक्शन है उन्हें कैलकुलेट करने के लिए रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा ये रिकर्शन वाला फंक्शन बन गया है, अब इसमें हमें जो बेस केसेस है वो देने हैं। तो पहला बेस केस होगा अगर आपका न्यूमिनेटर अगर ज़ीरो है या डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो है, तो यहाँ से आप सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। और दूसरा बेस केस क्या होगा कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर वो डिविजिबल है न्यूमिनेटर से, तो उस केस में हम आंसर क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे वन वन बाय डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट फ्रैक्शन है उसकी लास्ट टर्म होगी, तो यहाँ से हम जो लास्ट टर्म है उसे प्रिंट करके यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। और तीसरा बेस केस क्या होगा कि अगर हमारा जो न्यूमिनेटर है अगर वो डिविजिबल हुआ डिनोमिनेटर से, तो इस केस में क्या होगा, हमारा आंसर जो है सिंपली वो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो हम यहाँ से जो ये डिवाइड करने पर नंबर आएगा उसे प्रिंट करके यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो ये हमारे तीन बेस केसेस हो गए। अब इसमें हमें एक और चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी, तो जैसे हमने अजम्पशन ले रखी है कि जो हमारा न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा इजिप्शियन फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे हम जो फ्रैक्शन पास कर रहे हैं उसके लिए। तो अगर सपोज़ हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है अगर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसमें जो इजिप्शियन फ्रैक्शन है उसको कैलकुलेट कर पाएँ। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो इसमें
न्यूमरेटर बड़ा है, इसको डिनोमिनेटर से छोटा बनाएंगे। तो उसके लिए जो इसमें इंटीजर पार्ट है उसको प्रिंट कर देंगे पहले। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे हम जो डिवीज़न है, इंटीजर डिवीज़न, उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो का पार्ट होगा जो कि न्यूमरेटर को बड़ा बना रहा होगा वो निकल जाएगा, फिर प्लस, और उसके बाद जो नया फ्रैक्शन होगा जिसमें कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा उसे कॉल करेंगे, प्रिंट इजिप्शियन फंक्शन के अंदर पास करेंगे उसको। तो हमारा नया फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर हो जाएगा न्यूमरेटर मॉडुलस डिनोमिनेटर, और इसका डिनोमिनेटर सिंपली डिनोमिनेटर ही होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो इजिप्शियन फ्रैक्शन प्रिंट करने वाला फंक्शन है वो बन चुका है। तो यहाँ पे हम पहले जो हमारा रिकर्शन है वो यहाँ पे हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूनिट फ्रैक्शन निकाल के प्रिंट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए। और ये यहाँ पे हमारे बेस केसेस है, और यहाँ पे एक यहाँ पे हमने केस से रखा कि अगर हमारा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाता है तो उस केस में हम उसे यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, और जो प्रिंट इजिप्शियन फंक्शन है उसे दोबारा से कॉल कर रहे हैं। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो कंपाइल हो गया, चलिए अब इसे रन करते हैं। तो देखिए जो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिया है 6/14, उसके लिए जो हमारा इजिप्शियन फ्रैक्शन आएगा वो ये आएगा 1/3 + 1/11 + 1/231। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको जो ये तरीका बताया कि किस तरह हम इजिप्शियन फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसी एक गिवन फ्रैक्शन से, वो आपको क्लियर हुआ होगा।